स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीलास किचन में। आज हम बना रहे हैं मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू ठंड में खाना बहुत ही गुणकारी होते हैं, जिससे हमारे शरीर का दर्द भी ठीक होता है और बुज़ुर्गों को ये बना के खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप भी बनाइए अपने घर में और अपने घर के बुज़ुर्गों को खिलाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये हमने 250 ग्राम मेथी ली है, इसमें हम तपा हुआ घी डालेंगे। एक कटोरी घी था हमारा, ये छोटी कटोरी जो हमने गरम कर लिया था, इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए ये, देखिए ऐसा ही हो जाएगी घी डालने के बाद में, प्राय प्राय पूरी गीली। और उसमें हम 2 चम्मच करीब फुल फैट मिल्क डालेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है जब हम गरम करेंगे तब, बस में दूध ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। देखिए हम इसे 4-5 घंटे के लिए भिजा के रखेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिजा सकते हैं इसे, तब इसका खारापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपके मेथी के लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, उसमें खरास बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये मेथी अब हम ढककर रख देंगे इसे। मेथी को भीजे 10 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। उससे पहले हम कढ़ाई में घी चढ़ाते हैं। कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसके लिए हमने लिया है 1.5 kg घी, 1.5 kg आटा और 1.5 kg बूरा, 2 गट पीस लिए हैं बादाम 1 कटोरी और 200 ग्राम गोंद लिए हैं। सबसे पहले हम घी डालेंगे कढ़ाई में। घी को अच्छे से गर्म होने दीजिए, उसमें हम आटा डालेंगे। आटा डालते हैं, आटा ये मैंने मोटा पिसवा के लिया है, इसमें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मोटा आटा से जब गूंद के लड्डू और मेथी के लड्डू बनाते हैं उसका अलग ही टेस्ट होता है। आप भी अगर पॉसिबल हो तो मोटा आटा लीजिए। आटा और घी मिल गया है, इसे सिकने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। हम इतनी देर में मेथी को निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। आटा सिकने के बाद मेथी डाली जाती है। मेथी निकाल लिया, इसे अब दोनों हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिए। कई बार इसमें लम्स पड़ जाते हैं, दूध डाला रहता है इसमें, इसलिए तो आप इसे चाहे तो आटा छानने से छान भी सकते हैं। जो भी थोड़ी बहुत लम्स रह गए हैं वो इसे छान लीजिए, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हाथ से रगड़ते हुए छानिए। 15 मिनट हो गए हमें इसे सेकते हुए। बीच बीच में हमने इसे मीडियम गैस या फिर लो गैस पे सेकिए और देखिए इसका घी एकदम पूरा छोड़ दिया इसने। हम इसी में गूंद तलेंगे, इसीलिए इसमें घी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आराम से हिल रहा है, कोई इसमें वो नहीं लग रही है, हमें मेहनत नहीं लग रही है। और यहाँ पर हमने मेथी को भी एकदम अच्छे से देखिए निकाल लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो जब ये सिक जाएगा, और थोड़ा सा हल सिक ही गया वैसे, 2 मिनट और सेकेंगे और बस इसमें फिर गूंद डालेंगे। गूंद डालते हुए आटा सिक गया है, इसमें हम गोंद डालेंगे। इसी में सिक जाएगा गोंद, देखिएगा। मिलाते हुए गैस सिम कर लें
नहीं तो आटा नीचे लग जाएगा। ये देखिए गोंद एकदम बढ़िया से इसमें फूल गया है। गैस बंद कर देंगे अब हम। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, 2 मिनट 1 मिनट इतना ही रखना है। उसके बाद हम मेथी मिलाएंगे इसमें और फिर बूरा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, गट और बूरा थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालना चाहिए, नहीं तो उसमें से उसका घी छोड़ देता है और उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी बुजुर्गों के लिए ज़रूर बना के दे, उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। ठंड में ये मेथी खाने से दर्द कम होता है और सब खा सकते हैं वैसे तो, लेकिन बुजुर्गों को स्पेशली ज़रूर बना के दें अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं। बादाम डालेंगे और ठंड में ये सब बहुत हेल्दी भी रहता है। बादाम अगर आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के कईयों के दांत नहीं होते हैं, तो अगर आप पीस के डालें, अगर आपके घर में बुजुर्ग है उनके दांत नहीं है तो आप पीस के डालें। और इन्हें सबको खिलाएं, खुद के लिए भी खाएं, खुद का भी बहुत हेल्थ अच्छा रहता है इससे। थोड़ी ठंडी हो गई है, हम इसमें बूरा डालेंगे। बूरा बराबर की डाल सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा खाना चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकता है, क्योंकि मेथी खारी होती है, पर यहाँ पर मैंने बराबर की ही ली है, आटे के प्रोपोर्शन बराबर की। अब इसे 2-4 मिनट ठंडा होने दें, नहीं तो गरम गरम में बिल्कुल आपका हाथ जल जाएगा। फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, अब हम लड्डू बनाएंगे एक एक करके। ज़्यादा गर्म भी ना बनाए, थोड़ा सा ठंडा होने दें। ये देखिए ये मीडियम साइज के बनाए हैं मैंने लड्डू यहाँ पर, आप चाहे तो बड़े बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है और बहुत अच्छे बने हैं। तो ये मेथी के लड्डू तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।